Now we will discuss the topic autonomous and accommodating transaction in the balance of payment. कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन का क्या मीनिंग है. बीओपी में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है आइदर दे आर ऑफ ऑटोनोमस नेचर और दे आर ऑफ अकोमोडेटिंग नेचर. देखिए ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है. ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्या होती है और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन क्या होती है, दोनों का मीनिंग. Autonomous transactions are those transactions which are generally done for the purpose of earning profit or for general purpose. General purpose like help. कि autonomous transaction में जितनी भी transaction record की जाती है, जितनी भी transaction count की जाती है, उनका मोटिव या तो प्रॉफिट अर्निंग होता है या फिर जनरल पर्पज जैसे कि हेल्प करना होता है. जबकि अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन का पर्पज केवल और केवल एक है, क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना. इसका मतलब यह है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस हो गया है, जैसे पेमेंट ज्यादा है रिसिप्ट कम है या रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजेक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाएगी उसको अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कहा जाएगा. जबकि प्रॉफिट मोटिव से या जनरल पर्पज से जो भी ट्रांजेक्शन एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में होगी उनको ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कहा जाएगा. पहला दोनों का मीनिंग डिफरेंस के फॉर्म में आपके सामने आ गया. दूसरा देखिए कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन बोथ एज वेल एज इन करंट अकाउंट एंड इन कैपिटल अकाउंट बोथ. कि जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है ये दोनों में होती है, चाहे करंट अकाउंट में हो चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो बैलेंस ऑफ पेमेंट के. लेकिन जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन है, दीज ट्रांजेक्शन आर ओनली द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. तो देखिए दूसरा डिफरेंस आपके पास आ गया कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट में होती है, जबकि अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन केवल और केवल कैपिटल अकाउंट का पार्ट है. देखिए ये डिफरेंस नंबर वन, ये डिफरेंस नंबर टू, ये डिफरेंस नंबर वन, ये डिफरेंस नंबर टू. नाउ फॉर द थर्ड, ये जो ट्रांजेक्शन है ये होल ईयर कंटिन्यू करने वाली, होल ईयर मूव करने वाली ट्रांजेक्शन है. ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन पूरे साल चलती है, पूरे ईयर में जितनी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होते हैं, ट्रेड होते हैं, वो सारे ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का पार्ट है. इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आर मूविंग फॉर होल द ईयर. लेकिन कैपिटल अकाउंट, सॉरी अकोमोडेटिंग जो ट्रांजेक्शन है उसका मोटिव केवल एक ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना. और इसका पता हमें तब लगता है जब ईयर का एंड आता है. इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में अकोमोडेटिंग जो ट्रांजेक्शन होती है वो जनरली एंड ऑफ ईयर में सर्कुलेट होती है और रिकॉर्ड की जाती है. तो ये आपके पास आ गया थर्ड. और इसी डेफिनेशन की वजह से, इसी मीनिंग की वजह से ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन को अबोव द लाइन क्या बोलते हैं, इसको अबोव द लाइन ट्रांजेक्शन कहा जाता है. और इसी वजह से इसको बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन कहा जाता है. बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन इसको कहा जाता है.
तो देखिए ये सिंपल सिंपल से मीनिंग आपके सामने है कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्या होती है। वो ट्रांजेक्शन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए है या जनरल हेल्प के पर्पज से की जाती है, ये वो ट्रांजेक्शन है जो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, ये वो ट्रांजेक्शन है जो होल द ईयर कंटिन्यू करती है, ये वो ट्रांजेक्शन है जिसको अबोव द लाइन ट्रांजेक्शन कहा जाता है। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, ये वो ट्रांजेक्शन है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए की जाती है, ये केवल कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ये एंड ऑफ ईयर पर रिकॉर्ड की जाती है और इसीलिए इसको बोला जाता है बिलो द लाइन, यानी सब टोटल कैलकुलेशन कर लिया है उसके बाद जो ट्रांजेक्शन की जाएगी उसको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए की जाएगी, इसलिए इसको बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन कहा जाता है। हम ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन को एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं और साथ ही साथ हम आपको समझाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का फेवरेबल होना और अनफेवरेबल होना, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में कब होता है और सरप्लस में कब होता है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस और डेफिसिट होने का रिलेशनशिप केवल ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के साथ है, क्योंकि जब अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन को इंक्लूड कर लिया जाएगा तो ऐसा करने से बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो जाएगा और वो सरप्लस और डेफिसिट में नहीं रहेगा। इसलिए जब हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इज सरप्लस तो उसका मतलब यह होता है कि रिसिप्ट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर ग्रेटर फ्रॉम द पेमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्रॉम ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की रिसिप्ट ज्यादा है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की पेमेंट से, तो उसको हम सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे। और यदि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की रिसिप्ट कम है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की पेमेंट से तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कहा जाएगा। अब इन पोजीशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन की एंट्री कर देते हैं यहां पर, और इसकी एंट्री होते ही ये स्टेटस बैलेंस हो जाता है और इसलिए उसको अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब यही है कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए यूज किया गया है। इसे हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ये हमारी नेगेटिव साइड है और ये हमारी पॉजिटिव साइड है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड में हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिससे हमारी कंट्री में मनी का इनफ्लो होगा और नेगेटिव साइड में हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिससे मनी का आउटफ्लो होगा। जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, यूनिलैटरल रिसिप्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड लोन, लेट इट इज 400
इट इज 400, इट इज 300, इट इज 500, इट इज 700 एंड इट इज 200. नाउ तो ये हमारा टोटल हो गया 4 और 3 7, 5 12 प्लस 7 19 प्लस 2 2100. इसका मतलब हमारी कंट्री में जो ट्रांजेक्शन के थ्रू मनी आना है वो 2100 काउंट हुआ. अब आइए पेमेंट हमारी क्या है. इंपोर्ट ऑफ गुड्स लेट इट इज 600 करोड़, इंपोर्ट ऑफ सर्विस लेट इट इज 500 करोड़, यूनिलैटरल पेमेंट इट इज 300 करोड़, एफडीआई इट इज 400 करोड़, एंड ऑफ लोन इज 500 करोड़. ये हमारी ट्रांजेक्शन है टोटल. तो आइए इधर साइड का हम टोटल कर लेते हैं. तो 6 प्लस 5 11, प्लस 3 14, प्लस 4 18, प्लस 5 2300 करोड़. सारी की सारी वैल्यू जो है वो करोड़ रुपीज में है. अब आप देखिए हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है उसमें हमारी रिसीप्ट है 2100 करोड़ की और हमारी पेमेंट क्या हुई 2300 करोड़ की पेमेंट होनी है. तो अब आइए उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि हमारी रिसीप्ट कम है और पेमेंट ज्यादा है. इसका मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, डेफिसिट में हो गया. तो अभी तक जो ट्रांजेक्शन इसमें थी वो सारी कौन सी ट्रांजेक्शन थी, वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन थी. क्योंकि किसी भी ट्रांजेक्शन को करते समय हमने इस बात पर फोकस नहीं किया कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बैलेंस करना है. लेकिन अब हमें पता लग गया कि हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में आने जाने का जो अमाउंट है वो आने का अमाउंट 2100 करोड़ का है और जाने का अमाउंट 2300 करोड़ का है. तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें पेमेंट क्लियर करनी है, हमें 200 करोड़ रुपया और चाहिए. तो हम वो क्या करेंगे, अब फिर एक लोन लेंगे या डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे. चलो हम डिस इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं. डिस इन्वेस्टमेंट कि हमारी कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट रेस्ट ऑफ कंट्री में था, अब्रॉड में था, उसको हमने डिस इन्वेस्ट कर दिया 200 करोड़ के इक्वल. क्यों किया, ताकि हमारी जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो इक्वल हो जाए और हम पेमेंट कर सके. अब देखिए इसका टोटल 2300 करोड़ और इसका टोटल हो गया 2300 करोड़. तो इस तरीके से आप देखिए हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर लिया, बैलेंस कर दिया. अब इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे, चाहे डिस इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हो चाहे वो लोन की फॉर्म में हो. तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे, इस ट्रांजेक्शन को हम कहेंगे अकोमोडिटी ट्रांजेक्शन. क्यों, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन का यूज हमने केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए किया है. तो यहां से इस एग्जांपल से आपको अच्छी सब बात समझ में आ जानी चाहिए कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्या है. जो ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो इंडिपेंडेंटली जो ट्रांजेक्शन होती है उसको हम ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कहेंगे. लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन वो है जो गाइडेड है. इसलिए गाइडेड है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस किया जा सके. तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कहा जाएगा.
ये तो वह ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन का न्यूमेरिकल की हेल्प से एग्जांपल से समझाना। अभी इसी पर एक बेस एक क्वेश्चन और होता है, हम जनरली कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस, देन हाउ वी से इट इज इन डेफिसिट। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है, तो फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट क्यों कहेंगे और कब कहेंगे? तो फिर बात आई, इन द सेंस ऑफ अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस, क्योंकि इसकी दोनों साइड फाइनली इक्वल होती है, इसलिए इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को जनरली अकाउंट की सेंस में हम बैलेंस करेंगे। लेकिन जब हम डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डेफिसिट, इज इन डेफिसिट, तो इसका मतलब केवल ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड से है कि जब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन का पेमेंट कम हो, सॉरी पेमेंट ज्यादा हो और रिसिप्ट कम हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है, और ऑटोनोमस आइटम का रिसिप्ट ज्यादा हो और पेमेंट कम हो तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने बीओपी का जो है एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजिशन के हेल्प से हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये कंप्लीट बीओपी आपके सामने आ गया है, दो तीन एपिसोड में ये बीओपी पूरा आपके सामने आ गया है कि बीओपी क्या है। सबसे पहले बीओपी का मीनिंग, उसके बाद बीओपी के कॉम्पोनेंट, दो इसके कॉम्पोनेंट है, तीन इसके कॉम्पोनेंट है, विजिबल इनविजिबल और कैपिटल। फिर बीओपी के अकाउंट, दो अकाउंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फिर करंट अकाउंट के दो कॉम्पोनेंट है, विजिबल और इनविजिबल। इनविजिबल के दो कॉम्पोनेंट है, यूनिलेटरल और सर्विस। फिर सर्विस के दो कॉम्पोनेंट है, फैक्टर सर्विस और नॉन फैक्टर सर्विस। फिर यह दूसरा अकाउंट कि बीओपी का दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, जो एसेट्स और लायबिलिटी को रिपोर्ट करता है। इसके तीन कॉम्पोनेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बोरिंग और लैंडिंग और बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जनरल शॉर्ट टू पार्ट इसके होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। इसी प्रकार से बोरिंग और लैंडिंग के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है कमर्शियल बोरिंग और एक होता है सब्सिडाइज बोरिंग, कि जब इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेना देना हो तो उसको कमर्शियल बोलते हैं, और सब्सिडाइज रेट पर हो, डिस्काउंट रेट पर हो, तो उसको हम बोरिंग एज एक्सटर्नल असिस्टेंस या सब्सिडाइज बोरिंग बोलते हैं। और तीसरा इसका सब कॉम्पोनेंट होता है बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन, यानी एक कंट्री के बैंक से दूसरी कंट्री के बैंक में ट्रांजेक्शन ट्रांसफर होना, तो उसको बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन को कहा जाता है। उसके बाद हमने बताया ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन का रोल बीओपी में, उनका मीनिंग क्या होता है, उनके डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन किए, और आपको बीओपी डेफिसिट सरप्लस के मीनिंग बताए, और साथ ही मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको बिलो द लाइन और अबो द लाइन का मीनिंग आपको समझाया। आप देख सकते हैं कि उसमें लाइन था डिफरेंस में कि इनको अबो द लाइन आइटम कहा जाता है और ऑटोनोमस को क्यों, क्योंकि ये लाइन है आपकी, इस लाइन से ऊपर की ट्रांजेक्शन ऑटोनोमस है और इस लाइन से नीचे की ट्रांजेक्शन अकोमोडेटिंग है, इसलिए इनको बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन को कहा जाता है, और ये केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए होती है। तो इस तरीके से पूरा बीओपी आपके सामने तीन एपिसोड में आपके सामने है। कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई का जनरली इस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा, लगभग सारे टॉपिक मैंने क्लियर किए हैं, और फिर भी जब हम सीबीएसई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके थ्रू जो कुछ और टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक बच गए होंगे तो सीबीएसई क्वेश्चन के साथ साथ वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। इसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब नेक्स्ट इसका वीडियो आए सीबीएसई क्वेश्चन का तो उसको आप बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करें, उसको जरूर देखें ताकि आपकी हर प्रकार की क्वेरी सॉल्व हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।